हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई घर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुरमुरा पोहा, जो कि बहुत ही कम तेल से बनकर तैयार होगा और ये बहुत ही हल्का फुल्का भी है, जो कि हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे इसे। और आप इसे दिन के हल्के फुल्के भूख के समय भी खा सकते हैं और स्पेशली ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो देखते हैं मुरमुरा पोहा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मुरमुरा पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल मुरमुरा लिया है, इसे हम परमल भी कहते हैं, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, एक टमाटर है बिल्कुल बारीक कटिंग कर रखी है इसकी मैंने, कुछ धनिया की पत्तियाँ चाहिएगी और एक चम्मच तेल है। इसके अलावा कुछ मसाले लिए हैं, राई का दाना है आधे चम्मच, आधे चम्मच जीरा है, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, आधे चम्मच मिर्च पाउडर है, आधे चम्मच हल्दी पाउडर है और आधी चम्मच एक चम्मच मैंने यहाँ पर पीनट लिए हैं, मूंगफली का दाना भी कहते हैं इसे। एक हरी मिर्च को बारीक काट रखा है और कुछ करी लीव्स हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और इस बर्तन में हम पानी डालेंगे और इसमें ये सारे परमल जो हमने लिए मुरमुरे इसे हम डाल देंगे। इसे पूरे अच्छी तरह से डूब जाए इतना पानी डालेंगे हम इसमें, सारे मुरमुरे इसमें अच्छे से डुबा देंगे हम, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और पानी डालेंगे ताकि मुरमुरे सारे अच्छे से डूब जाएं इसमें। गैस चालू करके कढ़ाई रख दी, उसमें तेल डाल दिया मैंने, तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम ये राई दाना डाल देंगे इसमें, इसके साथ हम ये जीरा भी डालेंगे, दोनों को लाल होने देंगे। ये हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक काट रखी है इसे मैंने। हरी मिर्च फ्राई होने पे हम ये करी लीव्स डाल देंगे इसमें और इसी के साथ हम ये जो मूंगफली का दाना लिया है ये डाल देंगे, चलाएंगे कुछ देर हम इसे। कुछ देर चलाने के बाद हम इसमें ये प्याज डाल देंगे जिसे हमने बारीक काट रखा है, इसे भी चलाएंगे कुछ देर। प्याज थोड़े फ्राई होने पे हम ये टमाटर डालेंगे और इसे भी चलाएंगे। फिर प्याज और टमाटर हमारा जब तक पकता है तब तक हम मुरमुरे का पानी निकाल देंगे मुरमुरे में से। अब इसका सारा पानी हम निकाल देंगे अच्छे से हाथ से दबा के इस तरह से। जितना भी इसमें पानी है सारा हम निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा मुरमुरे का पानी निकाल दिया है मैंने। अब हमारे प्याज और टमाटर को देख लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी अच्छे से पक चुके हैं, इसे और थोड़ा इस तरह से मैश कर देते हैं हम इस तरह से। अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, हल्दी पाउडर से मिक्स करेंगे। और अब जो हमने पोहा लिया है उसे डाल देंगे, मुरमुरे का पोहा बनाया है हमने उसे डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसमें नमक डालेंगे अब हम, एक बार इसे अच्छे से मिला देंगे। इसी के साथ ये धनिया पत्ती भी डाल देंगे। तो देखा फ्रेंड्स, इतनी जल्दी ये नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब ऊपर से आप चाहें तो इसमें से थोड़ा सा
फीकी सेव डाल सकते हैं, जो बिल्कुल बारीक वाली फीकी सेव होती है। यदि बच्चों के दे रहे हैं आप तो इस तरह से सेव यूज़ करें फीके वाली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।